Hello and welcome to this video lecture. I am Himanshu Sinsinwar, lecturer, Mechanical Engineering Department, Government Polytechnic College, Chittorgarh. तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग जानेंगे डीजल साइकिल के बारे में. एक डीजल साइकिल क्या होती है, इसका क्या उपयोग होता है और कहां पर ये यूज़ की जाती है. इसके अलावा हम लोग ड्राइव करेंगे डीजल साइकिल की एफिशिएंसी के लिए फार्मूला. तो सबसे पहले आपके लिए जानना ज़रूरी है कि डीजल साइकिल को दिया था रुडोल्फ डीजल ने, जो कि एक जर्मन इंजीनियर थे, और उन्हीं के नाम पर इस साइकिल का नाम रखा गया है डीजल साइकिल. तो डीजल साइकिल का उपयोग होता है जितने भी टू स्ट्रोक और फोर स्ट्रोक डीजल इंजन होते हैं, यानी कि वो व्हीकल्स या वो इंजन जो डीजल जिनमें फ्यूल के रूप में उपयोग में लिया जाता है, उन सभी इंजन्स में डीजल साइकिल का उपयोग किया जाता है. तो ये साइकिल ऑटो साइकिल से, जिसके बारे में हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था किस तरह से डिफरेंट है, तो स्टूडेंट्स ये साइकिल ऑटो साइकिल से इस तरह डिफरेंट है कि ऑटो साइकिल में जो हीट का एडिशन किया जाता है वो किया जाता है कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पे, जबकि एक डीजल साइकिल के अंदर हीट का एडिशन किया जाता है कॉन्स्टेंट प्रेशर प्रोसेस पे. मैं फिर रिपीट कर दूं कि डीजल साइकिल के अंदर हीट का एडिशन जो किया जाता है वो एक कॉन्स्टेंट प्रेशर प्रोसेस पे किया जाता है. तो अब हम लोग पढ़ लेते हैं डीजल साइकिल की प्रोसेसेस के बारे में. तो ये साइकिल भी चार प्रोसेसेस से मिलकर बना होता है. ये सारी की सारी प्रोसेसेस रिवर्सिबल यानी कि उत्क्रमणीय होती हैं, और इन्हीं चारों प्रोसेस से मिलकर ये पूरा का पूरा साइकिल बना होता है. तो इन सभी प्रोसेस को हम एक एक करके देख लेते हैं. तो पहली जो प्रोसेस है, प्रोसेस 1 से 2, तो आप देखिए पीवी डायग्राम पे और टीएस डायग्राम पे. तो पहली जो प्रोसेस है 1 से 2 वह है रिवर्सिबल एडियाबेटिक. जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि एक रिवर्सिबल एडियाबेटिक एक आइसेंट्रॉपिक प्रोसेस होती है. तो पहली जो प्रोसेस है 1 से 2 वो है रिवर्सिबल एडियाबेटिक कंप्रेशन, यानी कि रिवर्सिबल एडियाबेटिक संपीड़न. तो देखिए पीवी डायग्राम पर इस प्रोसेस 1 से 2 को इस पीवी की पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, जो कि एक रिवर्सिबल एडियाबेटिक फॉलो करती है, उस कर्व से इस तरह दिखाया जाएगा. और टीएस डायग्राम में क्योंकि इस प्रोसेस के लिए एंट्रोपी कांस्टेंट रहेगी, तो एक स्ट्रेट लाइन 1 से 2 द्वारा इस प्रोसेस को दर्शाया जाएगा. उसके बाद के जो प्रोसेस है प्रोसेस 2 से 3, तो वो है इस डीजल साइकिल के लिए एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस, क्योंकि वही है कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन जो कि इसको एक ऑटो साइकिल से अलग बनाता है. क्योंकि ऑटो साइकिल के अंदर जो हीट का एडिशन है वो कांस्टेंट वॉल्यूम पे किया गया था, लेकिन इस साइकिल के अंदर हीट का एडिशन यानी कि जो फ्यूल और एयर का मिक्सचर है उसका कंबशन जो होता है वो कांस्टेंट प्रेशर पे होता है. तो प्रोसेस 2 से 3 है. देखिए आप पीवी डायग्राम के अंदर एक स्ट्रेट लाइन है क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर है. तो 2 से 3 एक कांस्टेंट प्रेशर लाइन जिसपे कि हीट का एडिशन किया जा रहा है, और हीट का एडिशन होने से ही वॉल्यूम बढ़ रहा है. देखिए टीएस डायग्राम में भी क्योंकि हीट का एडिशन किया जा रहा है, तो 2 से 3 में टेम्परेचर राइज हो रहा है और हीट के एडिशन से हमेशा एंट्रोपी बढ़ती है. तो पीवी और टीएस डायग्राम से कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन क्लियर है. इसके बाद हम लोग बात करते हैं प्रोसेस 3 से 4 के बारे में. तो प्रोसेस 3 से 4 है एक रिवर्सिबल एडियाबेटिक यानी कि एक आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन, जिसको कि पावर स्ट्रोक भी कहा जाता है. तो देखिए रिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपेंशन प्रोसेस 3 से 4 पीवी डायग्राम के अंदर, जो कि पी वी की पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट को फॉलो करेगी, और 3 से 4 टीएस डायग्राम के अंदर एक स्ट्रेट लाइन जिसमें कि एंट्रोपी कॉन्स्टेंट रहेगी. इसके बाद जो लास्ट प्रोसेस हमारे पास आती है वह है 4 से 1, जो कि एक कॉन्स्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन, यानी कि एग्जॉस्ट वाल्व हमारा जो पिस्टन सिलेंडर का है वो ओपन हो जाता है, और सारा का सारा जो एयर फ्यूल मिक्सचर की बर्न गैसेज होती हैं वो एग्जॉस्ट वाल्व के थ्रू बाहर निकल जाती हैं. तो इस प्रोसेस ये जो प्रोसेस होती है ये एक कॉन्स्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन होती है ऑटो साइकिल के ही तरह. तो ये प्रोसेस पीवी डायग्राम के अंदर दर्शाई गई है 4 से 1, जो कि एक कॉन्स्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है, और टीएस डायग्राम के अंदर जो कि वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट एक 4 से 1 कॉन्स्टेंट वॉल्यूम हीट रिएक्शन प्रोसेस है. तो टीएस डायग्राम के अंदर जो ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो 2 से 3 जो कर्व लाइन है, और जो 4 से 1 एक और कर्व लाइन है, लेकिन 4 से 1 कर्व लाइन का जो स्लोप है एक कॉन्स्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस का स्लोप हमेशा कॉन्स्टेंट प्रेशर प्रोसेस के कर्व से टीएस डायग्राम पे हमेशा ज्यादा होता है. तो जो डिफरेंस है आपको क्लियर हो गया होगा अब तक कि ऑटो साइकिल में और डीजल साइकिल में डिफरेंस, जो बेसिक डिफरेंस है वो ये कि ऑटो साइकिल में जो हीट का एडिशन होता है वो कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पे होता है, लेकिन डीजल साइकिल के अंदर जो हीट का एडिशन होता है वो कॉन्स्टेंट प्रेशर पे होता है. तो अब बात कर लेते हैं इसकी एफिशिएंसी के बारे में.
तो एफिशिएंसी हम लोग जैसा कि जानते हैं कि एफिशिएंसी हमेशा दी जाती है डिजायर्ड इफेक्ट, यानी कि एक इंजन के अंदर हमेशा एक डिजायर्ड इफेक्ट वर्क डन होता है डिवाइड बाय इनपुट। तो इनपुट हीट सप्लाइड होगा एक इंजन के अंदर और डिजायर्ड इफेक्ट होगा वर्क डन। तो एफिशिएंसी इस डीजल साइकिल के लिए दी जाएगी वर्क डन, यानी कि जो इस इंजन ने वर्क किया है डिवाइड बाय हीट सप्लाइड, जो हमने हीट सप्लाइड की है कॉन्स्टेंट प्रेशर पे। तो हीट सप्लाइड जो वर्क डन होगा, जैसा कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से हम लोग जानते हैं कि किसी भी साइक्लिक प्रोसेस के लिए नेट वर्क इंटरेक्शन वो इक्वल होता है नेट हीट इंटरेक्शन के। तो उस लॉ से जो वर्क डन होगा वो बराबर होगा हीट सप्लाइड माइनस हीट रिजेक्टेड। तो इस तरह से एफिशिएंसी आएगी हीट सप्लाइड माइनस हीट रिजेक्टेड डिवाइड बाय हीट सप्लाइड। तो जो हीट सप्लाइड है एट कॉन्स्टेंट प्रेशर पे वो है, देखिए अब यहाँ से प्रोसेस 2 to 3 के लिए कॉन्स्टेंट प्रेशर पे जो हीट एडिशन है वो है एम सी पी T3 माइनस T2, जहाँ यहाँ पर सी पी है स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। आप पी वी डायग्राम से भी देखिए एम प्रोसेस 2 से 3 के लिए एम सी पी T3 माइनस T2, यानी कि जो हायर टेम्परेचर है T3 माइनस T2। एम ये जो है मास है एयर फ्यूल मिक्सचर का। तो इस तरह से जो कॉन्स्टेंट प्रेशर पे हीट एडिशन होगा वो होगा एम सी पी T3 माइनस T2, और कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पे जो हीट रिजेक्शन होगा वो होगा एम सी वी T4 माइनस T1। आप पी वी डायग्राम से भी देखिए कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पे जो हीट रिजेक्शन है वो है एम, यानी कि एयर फ्यूल एयर और फ्यूल के जो मिक्सर का मास है एम, सी वी यानी कि कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पे स्पेसिफिक हीट, T4 यानी कि हायर टेम्परेचर माइनस T1 यानी कि लोअर टेम्परेचर। तो इस तरह से हम लोग जो एफिशिएंसी है वो डीजल साइकिल की उसको हम लिख सकते हैं एम सी पी T3 माइनस T2 माइनस एम सी वी T4 माइनस T1 डिवाइड बाई एम सी पी T3 माइनस T2। तो जितने भी मास हैं वो कैंसिल हो जाएंगे, और उसके बाद अब इस इक्वेशन को फर्दर सॉल्व करने पे हम लोगों को मिलेगा 1 माइनस CV डिवाइड बाई सी पी T4 माइनस T1 डिवाइड बाई T3 माइनस T2। तो जैसा कि हम जानते हैं सी पी बाई सी वी का जो रेशियो होता है वो होता है गामा, जो कि होता है स्पेसिफिक हीट का रेशियो। तो अब एफिशिएंसी का फॉर्मूला हमारे पास आता है 1 माइनस 1 अपॉन गामा T4 माइनस T1 डिवाइड बाई T3 माइनस T2। तो अब इस एफिशिएंसी के जो फॉर्मूले में जो हमको उसको फर्दर ड्राइव करना है, तो उसमें हमारे पास प्रॉब्लम ये है कि इसमें 4 टेम्परेचर हमारे पास आ रहे हैं, एक है T1 T2 T3 और T4। तो इस एफिशिएंसी के फॉर्मूले को फर्दर सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, जितने भी टेम्परेचर हैं हम सभी को एक ही यूनिट में ले आएंगे, यानी कि T2, T3 और T4 हम इन तीनों टेम्परेचर्स को T1 की टर्म्स में लिख देंगे, यानी T1 की फॉर्म में लिख देंगे, ताकि T1 कैंसिल हो जाए और हमारे पास एक यूनिफॉर्म फॉर्मूला एक एफिशिएंसी का इस तरह से हम लोग ड्राइव कर लेंगे। तो इससे पहले कि हम लोग एफिशिएंसी के उस फॉर्मूले को ड्राइव करें, हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट बातें जान लेते हैं जो कि हमने ऑटो साइकिल के अंदर भी पढ़ी थी। कंप्रेशन रेशियो, देखिए कंप्रेशन रेशियो मैंने आपको पहले भी बताया है, कंप्रेशन रेशियो क्या होता है, कंप्रेशन स्ट्रोक से पहले का जो वॉल्यूम होता है यानी कि V1, और कंप्रेशन स्ट्रोक के जो बाद का वॉल्यूम होता है यानी कि V2। तो V1 और V2 का जो रेशियो होता है, यानी कि वॉल्यूम बिफोर कंप्रेशन और वॉल्यूम आफ्टर कंप्रेशन, उसका जो रेशियो होता है उसी को हम कंप्रेशन रेशियो बोलते हैं, कंप्रेशन रेशियो कहते हैं, जिसे हिंदी में संपीड़न अनुपात भी कहा जाता है। इस डायग्राम के अंदर BC क्लियरेंस वॉल्यूम है, यानी कि सिलेंडर हेड और टॉप डेड सेंटर के बीच का जो वॉल्यूम होता है वो VC है, और जो VS है वो है स्वेप्ट वॉल्यूम, यानी कि वो वॉल्यूम जो पिस्टन टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर तक जब गति करता है तो जो वॉल्यूम वो स्वेप्ट करता है यानी कि जो वॉल्यूम वो कवर करता है वही वॉल्यूम होता है VS, स्वेप्ट वॉल्यूम। तो कंप्रेशन रेशियो जैसा कि हमने पढ़ा, V1 वॉल्यूम बिफोर कंप्रेशन डिवाइड बाई V2 वॉल्यूम आफ्टर कंप्रेशन। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं कॉन्स्टेंट प्रेशर प्रोसेस के लिए जो है V3 डिवाइड बाई V2, यानी कि कॉन्स्टेंट प्रेशर हीट एडिशन प्रोसेस के बाद का जो वॉल्यूम है V3, और कॉन्स्टेंट प्रेशर हीट एडिशन प्रोसेस से पहले का जो वॉल्यूम है V2, उसका जो रेशियो होता है उसको दर्शाया जाता है रो द्वारा, जिसे कहते हैं कट ऑफ रेशियो यानी कि विच्छेद अनुपात। तो V3 बाई V2 इज इक्वल टू रो। और इसी प्रकार से जो एक्सपेंशन रेशियो होता है, यानी कि एक्सपेंशन के बाद का वॉल्यूम V4 और एक्सपेंशन से पहले का वॉल्यूम V3, उसका जो रेशियो होता है उसको हम लोग फर्दर सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास एक रेशियो आता है R बाय रो, जो किस तरह से आता है, देखिए V4 जो कि एक्सपेंशन के बाद का वॉल्यूम है और डिवाइड बाय V3
जो कि एक्सपेंशन के पहले का वॉल्यूम है। तो V4 देखिए आप डायग्राम से, पीवी डायग्राम से, V4 जो है V1 के बराबर है, तो V4 बाई V3 को हम लोग लिख सकते हैं V1 बाई V3। और इसके फर्दर हम लोग V3 को देखिए, अब कट ऑफ रेशो से आप देखिए V3 को हम लोग लिख सकते हैं रो इंटू V2, तो V3 को हमने लिखा रो इंटू V2, और V1 बाई V2 को हम लोग लिखते हैं कंप्रेशन रेशो। तो इस तरह से V4 बाई V3 जो है वो बदल जाएगा R बाई रो के अंदर। तो अब हम लोग चलते हैं एफिशिएंसी के फॉर्मूले को फर्दर सॉल्व करने की तरफ। तो हम लोग क्या करेंगे इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए, जितने भी टेम्परेचर हैं T2, T3 और T4, उन सभी को हम लोग T1 यानी कि जो टेम्परेचर 1 है उसकी फॉर्म में हम लोग सभी टेम्परेचर्स को लिख लेंगे। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 1 से 2 एक एडियाबेटिक रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस है। तो किसी भी रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए हम लोग जानते हैं टी वी और पी यानी कि टेम्परेचर वॉल्यूम और प्रेशर का एक निश्चित रिलेशनशिप होता है। उसी रिलेशनशिप के आधार पर हम लोग लिख सकते हैं T2 डिवाइड बाई T1 इज इक्वल टू V1 डिवाइड बाई V2 की पावर गामा माइनस 1, जिससे कि T2 वो आता है T2 इज इक्वल टू T1 इंटू V1 डिवाइड बाई V2 की पावर गामा माइनस 1। अब क्योंकि V1 बाई V2 R है, कंप्रेशन रेशियो है, तो T2 आ जाता है T1 इंटू R, R की पावर गामा माइनस 1, यानी कि T2 इज इक्वल टू T1 R की पावर गामा माइनस 1। जो प्रोसेस 2 से 3 है वो एक कॉन्स्टेंट प्रेशर प्रोसेस है, यानी कि P2 इज इक्वल टू P3 है। तो P V इज इक्वल टू nRT, तो हम लोग इससे जानते हैं P2 V2 डिवाइड बाई T2 इज इक्वल टू होगा P3 V3 डिवाइड बाई T3 के। तो P2 और P3 क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है तो कैंसिल हो जाएंगे, तो इससे हमारे पास आता है T2 डिवाइड बाई V2 इज इक्वल टू T3 डिवाइड बाई V3। तो T3 इक्वल टू T2 इंटू V3 डिवाइड बाई V2। तो T2 को हम लोग इक्वेशन नंबर 2 से इस फॉर्मूले में रखते हैं, तो T3 भी T1 की फॉर्म में आ जाता है। T2 की वैल्यू हम लोग इक्वेशन 2 से रखेंगे, T2 इज इक्वल टू T1 R की पावर गामा माइनस 1 इंटू V3 बाय V2। अब यहाँ पर V3 बाय V2 क्या है, ये एक्सपेंशन रेशियो है, यानी सॉरी एक्सपेंशन रेशियो नहीं है, कट ऑफ रेशियो है, यानी कि कॉन्स्टेंट प्रेशर प्रोसेस के बाद का जो वॉल्यूम है और उससे पहले जो वॉल्यूम है। तो V3 बाई V2 एक कट ऑफ रेशियो है। तो इस तरह से T3 जो है वो भी T1 की फॉर्म में आ गया है। अब प्रोसेस 3 टू 4 के लिए जो कि क्या है, रिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपेंशन प्रोसेस है, तो उस प्रोसेस के लिए भी हम लोग जो T, V और P की एक सर्टन रिलेशनशिप होती है उससे लिख सकते हैं T3 डिवाइड बाई T4 इज इक्वल टू V4 बाई V3 की पावर गामा माइनस 1। तो T3 से निकल के आता है T3 डिवाइड बाई T4 इज इक्वल टू, अब देखिए जो हमने पहले रिलेशनशिप ड्राइव किया था V4 बाई V3 उसको हमने एग्जैक्ट यहाँ पर रख दिया है R बाई रो की पावर गामा माइनस 1। तो T4 इसे निकल के आता है T4 इज इक्वल टू T3 डिवाइड बाई R की R डिवाइड बाई रो की पावर गामा माइनस 1। तो फर्दर अब T4 इज इक्वल टू T3 का जो वैल्यू है इक्वेशन 3 से हम लोग रखेंगे इस इक्वेशन के अंदर T3 के वैल्यू, तो T3 का वैल्यू है T1 इंटू आर की पावर गामा माइनस 1 इंटू रो, उस वैल्यू को हमने रखा T4 की इक्वेशन में, तो R की पावर गामा माइनस 1 R की पावर गामा माइनस 1 कैंसिल कर देगी और जो फाइनल एक्सप्रेशन हमारे पास आएगा वो आएगा T4 इज इक्वल टू T1 रो इंटू रो की पावर गामा माइनस 1, जो कि फर्दर सॉल्व होकर हमारे पास आ जाएगा T4 इज इक्वल टू T1 रो की पावर गामा। तो अब हमने T2, T3 और T4 तीनों ही टेम्परेचर को T1 के टर्म्स में चेंज कर लिया है। अब इन तीनों ही टेम्परेचर्स को T2, T3 और T4 को हम लोग रखेंगे इक्वेशन नंबर 1 में, जो कि एफिशिएंसी का एक्सप्रेशन था। तो उस एक्सप्रेशन में रखने के बाद जो वैल्यू हमारे पास आएगी वो कुछ इस तरह से आएगी 1 माइनस 1 अपन गामा इंटू T1 रो की पावर गामा माइनस T1 डिवाइड बाय T1 इंटू रो इंटू R की पावर गामा माइनस 1 माइनस T1 इंटू R की पावर गामा माइनस 1। तो इस एक्सप्रेशन को हम लोग जब फर्दर सॉल्व करेंगे तो देखिए R की पावर गामा माइनस 1 हमने नीचे से कॉमन ले लिया, T1 को कैंसिल कर दिया, ऊपर और नीचे पूरे तरह से कैंसिल कर दिया। अब जो पूरा का पूरा एक्सप्रेशन है वो R, रो और गामा के टर्म्स में आ चुका है, यानी कि कंप्रेशन रेशियो, स्पेसिफिक हीट का रेशियो और कट ऑफ रेशियो की फॉर्म में आ चुका है।
तो इस एक्सप्रेशन को फर्दर हम लोग सॉल्व करने के बाद जो फाइनल एक्सप्रेशन आता है वो आता है 1 माइनस 1 अपॉन आर यानी कि कंप्रेशन रेशियो की पावर गामा माइनस 1 इंटू रो यानी कि कट ऑफ रेशियो की पावर गामा माइनस 1 डिवाइड बाय गामा इंटू रो माइनस 1। तो ये जो फॉर्मूला है एफिशिएंसी का ये है एक आइडियल एफिशिएंसी ऑफ डीजल साइकिल, क्योंकि ये आइडियल एफिशिएंसी इसीलिए है क्योंकि इस फॉर्मूले को ड्राइव करते समय हमें सभी तरह के प्रोसेस को पूरी तरह रिवर्सिबल माना है और सभी प्रकार के हीट लॉस को नेग्लेक्ट किया है। तो इसीलिए ये एक फॉर्मूला जो है आइडियल एफिशिएंसी है एक डीजल साइकिल की, एक्चुअल एफिशिएंसी नहीं है। तो ये फॉर्मूला होता है, ये एक्सप्रेशन होता है एक डीजल साइकिल की एफिशिएंसी का। तो जैसा कि हमको फॉर्मूले से पता लग रहा है इस एफिशिएंसी के कि जो एफिशिएंसी है डीजल साइकिल की वो डिपेंड करती है कंप्रेशन रेशियो आर पे। तो कंप्रेशन रेशियो आर जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा इसकी एफिशिएंसी होगी डीजल साइकिल की। तो डीजल साइकिल के केस में कंप्रेशन रेशियो जो होता है वो होता है 16 से 20। तो इस तरह से हम लोग ये बात कह सकते हैं कि जो एफिशिएंसी डीजल साइकिल के लिए होती है वो ऑटो साइकिल से ज़्यादा होती है, क्योंकि ऑटो साइकिल के लिए कंप्रेशन रेशियो जो होता है वो होता है जनरली 6 से 10 के बीच में, जबकि एक डीजल साइकिल के लिए जो कंप्रेशन रेशियो होता है वो होता है 16 से 20 के बीच में। इसीलिए एक डीजल साइकिल इंजन के लिए जो एफिशिएंसी होती है वो हमेशा ऑटो साइकिल इंजन से यानी कि पेट्रोल इंजन से ज़्यादा होती है। तो आई होप इस वीडियो से आपको डीजल साइकिल के बारे में और डीजल साइकिल के एफिशिएंसी को किस प्रकार से ड्राइव किया जाता है ये समझने में हेल्प मिलेगी। थैंक यू।